अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो ये एक 8 वाट LED सेवर की मशीन है जो कि ब्लास्ट हो गई है। तो आज हम जानेंगे इसके बारे में, इसकी ब्लास्टिंग की वजूहत। तो ये शार्ट कैसे होता है और ब्लास्ट कैसे होता है वो जानने वाले हैं आप इस वीडियो में। तो आपको ये वीडियो एंड तक लाजम देखना है। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ये PF जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल ब्लास्ट हो चुका है 20 वोल्ट में, क्योंकि इसके शार्ट होने से आगे नुकसान ना हो। और उसके बाद ये आप देख सकते हैं ये 220 पावर PC लगा हुआ है जो भी बिल्कुल ब्लास्ट हो चुका है। और ये आप देख सकते हैं ये आईसी में भी आपको क्लियरली सुराख नज़र आ रहा है, ये आईसी भी ब्लास्ट हो चुका है। और ये मेन कैपेसिटर भी आप देख सकते हैं ये भी ब्लास्ट हो गया है। यानी कि ये LED सेवर की मशीन जो है ना मुकम्मल तरीके से ब्लास्ट हो गई है, ये आप देख सकते हैं। तो इसके ब्लास्ट होने की वजह है ओवर वोल्टेज, यानी कि वोल्टेज अपनी लिमिट से ज़्यादा आना। तो यह ज़ाहिर होता है, इससे ये ज़ाहिर होता है कि ये 440 वोल्ट का भी झटका नहीं है, यानी कि ये मेन ट्रांसफार्मर की शार्टेज है, यानी कि 11,000 वोल्टेज की क्रॉस शार्टेज। तो ये इतना नुकसान जो है ना 11,000 वोल्टेज की क्रॉस शार्टेज से इतना नुकसान होता है। तो ये आप देख सकते हैं। मज़ीद आपसे गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, ताकि मेरी और आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।